हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम चालू कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि थर्ड लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और डॉट प्रोडक्ट। ये चार टॉपिक्स हम कर चुके हैं मेन मेन। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे और उसकी ज़रूरत क्या है। पहले मैं ज़रूरत बता देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बाद में कर लेंगे, या पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूँ, ज़रूरत बाद में कर लेंगे, कैसा भी कर सकते हैं। मेरी इच्छा हो रही है ज़रूरत बताने की, पहले ज़रूरत देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ज़रूरत ऐसा कुछ है कि जैसे मान लो ये एक है ना, डोर है, डोर समझते हो, किवाड़। किवाड़ मतलब गेट, है ना। तो ये ऐसे एक मकान का डोर है, ये खुल सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है ना, ये डोर है। अब इस डोर को अगर खोलना है, बंद करना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, पराच पराच फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो ओपन था, इसको आपको क्लोज करना है, तो फोर्स लगा रहे होगा। तो पहले अगर मैं ये देखूं, ये एक्सिस है इसकी, ये रोटेशन का है, थोड़ा सा रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। अगर ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस मतलब इसके अबाउट ही रोटेट कर सकता है, ये जो लाइन है इसके अबाउट ही रोटेट कर सकता है। अब अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो कितनी तेजी से रोटेट करेगा, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा फोर्स कितना लगा रहे हो, प्रकाश प्रकाश फोर्स कितना लगा रहे हो, है ना। या फिर ये मान लो ये ऐसे एक ये डंडा यहाँ पे पड़ा है, डंडा नहीं लेंगे अपन, हम ले लेंगे जैसे मान लो ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक है ना। तो ये पावर बैंक रोटेट कर सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो इसको ऊपर उठाना है मेरे को, बार बार ऊपर पुश करना है, मान लो, है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है ऐसे। तो मैं इसको पुश करना चाहता हूँ ऊपर, तो कितना तेजी से इसको मैं पुश कर पाऊंगा, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा मैं कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो किस पर डिपेंड करेगा वो, जैसे मुझे एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, ये कोई बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा के इसको ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ। तो एक तो ऑब्वियसली रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, जो रोटेशन का स्पीड है, जो रोटेशन की फास्टनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स पे। जितना तुम फोर्स को बढ़ाओगे उतना ही रोटेशन बढ़ेगा। दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, यहाँ से दूरी कितनी है उस फोर्स की, ये समझाता हूँ मैं। अगर तुम फोर्स को यहाँ लगा पा रहे हो, देखो दिक्कत आ रही है ऊपर उठाने में, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यहाँ लगाओगे तो आराम से। इसीलिए अगर तुम डोर देखोगे, तो जो डोर के जो पकड़ने के होते हैं सिस्टम्स, अगर डोर ऐसा है तो यहाँ लगा रहता है वो सिस्टम पकड़ने का, है ना। तुम आराम से ऐसे पकड़ के खोल लेते हो डोर को, यहाँ रखता और दम लगाते तो बड़ी दिक्कत होती है, तुम कर नहीं पाते। जैसे ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप को अगर मैं बंद करना चाहूँ, तो एक तो मैं फोर्स यहाँ लगाऊँ तो बंद हो, एक मैं देखो फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, बंद ही नहीं हो रहा, बड़ा दम लगाना पड़ रहा है बंद होने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो एक्सिस है, इस केस में हमारी एक्सिस ऐसे है, ऐसे घूमेगा, इस केस में हमारी एक्सिस ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जो एक्सिस है उसके उससे कितनी दूरी है फोर्स की, वो भी डिपेंड करेगा। तो इसको आर बोलते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बाद घूम सकता है, इससे फोर्स की कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा, मैं पास पे फोर्स लगाऊंगा तो दिक्कत होगी, दूर फोर्स लगाऊंगा तो आसानी से हो रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा। और एक और तीसरी चीज इस पर डिपेंड करेगा, अब मैं फोर्स मान लो ऐसे लगाता हूँ, दूरी भी है फोर्स भी है, लेकिन मैं ऐसे लगाता हूँ तो कुछ होगा, नहीं होगा। मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूँ, होगा नहीं होगा। बेस्ट रिजल्ट कौन देगा मुझे, मैं इसके परपेंडिकुलर लगाऊँ, ये क्या चीज़ है, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो था उसके मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो ये रिजल्ट देगा ना। जैसे अगर मैं इसमें बनाऊँ, तो मान लो मैं टेढ़ा फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो मैं टेढ़ा फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो इसको ऐसे पुश कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। और हम एंगल डिफाइन कर देते हैं, फोर्स और आर के डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ये तो मैं समझा ही चुका आपको, डायरेक्शंस लेते हैं हम, है ना। तो फोर्स और आर की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो अगर मैं ये करता हूँ, समझ रहे हो, इसकी थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर देता हूँ रिजोल्यूशन, क्योंकि शायद दिक्कत हो रही है, ठीक है छोड़ो, ये लेक्चर ऐसे ही बना लेते हैं अपन, फिर देखता हूँ कैसा निकलता है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ जो, तो उसका मुझे ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट है जो काम आ रहा है इसको। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो ऐसा आ रहा है और एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है, मतलब समझ रहे हो। मतलब अगर मैं ये फोर्स बना रहा हूँ ऐसा एफ, है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इसको मैं बोलूंगा एफ कॉस थीटा, और इसको मैं बोलूंगा एफ साइन थीटा, और ये एंगल थीटा है। थीटा क्या है कि ये आर है, ये आर का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा, तुम देखोगे एफ कॉस थीटा जो है वो रोटेशन में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, एफ साइन थीटा ही मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको या तो एफ परपेंडिकुलर बोल दो, कि रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, एफ परपेंडिकुलर पे, मतलब इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
या फिर ऐसा बोल दो कि अगर रेडियस और फोर्स, रेडियस नहीं सॉरी, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फोर्स अगर एंगल थीटा बना रहे हैं, तो फोर्स का एफ कॉस थीटा काम नहीं आएगा, एफ साइन थीटा काम आएगा। तो इस पूरी चीज को मैं लिखूंगा कि जो रोटेशन का फास्टनेस है, इसको टॉर्क बोलते हैं, रोटेशन का जो फास्टनेस है वो डिपेंड करेगा एक तो आर पे, एक एफ पे, और एक साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तीनों पे डिपेंड करेगा और तीनों के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा अपन ने डिफाइन कर दिया। तो जो मैं बोल दूंगा फास्टनेस जो रोटेशन की, जो आर एफ है, आर एफ का मतलब रोटेशन की फास्टनेस, इसको मैं बोल सकता हूँ आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर मैंने बोल दिया, एक या फिर प्रोपोर्शनली लगा लो कि आर एफ इंटू साइन थीटा के प्रोपोर्शनल मैंने उसको कर दिया। इस क्वांटिटी को एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं अपन टॉर्क, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो घुमाना है, जो मैं घुमाना चाहूंगा किसी को, जो रोटेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो रोटेशन जो है वो आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वापस से क्या होगा, मान लो आर को वेक्टर के टर्म्स में दे दिया, आर को दे दिया थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, फोर्स को दे दिया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के, ऐसे दे दिया, और हमसे पूछा कि भाई ये अपनी ये आर है, आर का वैल्यू गिवन है तुमको, निकालो फोर्स का वैल्यू गिवन है, फोर्स मान लो कुछ ऐसा होगा, फोर्स का वैल्यू गिवन है, अब बताओ कितना टॉर्क आया या कितना रोटेशन का, क्या रोटेशन किसके पर प्रोपोर्शनल होगा, दिक्कत होगी ना। तो मुझे ये कैसे करते हैं, इससे मैं साइन थीटा कैसे निकालूंगा, वो सब निकालने के लिए मुझे एक तरीका इजाद करना पड़ेगा, उसको उसकी वजह से अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, और इसीलिए अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही ऐसी कर दी कि आर क्रॉस एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ये इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसके साथ मैं ये भी लिख रहा हूँ कि ये है एक वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये वेक्टर क्यों है ये भी मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको मैंने डिफाइन कर दिया आर एफ इंटू साइन थीटा। अब मैं इस लेक्चर की शुरुआत यहां से भी कर सकता था कि आर और एफ का जो क्रॉस होता है वो आर एफ साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ये सब नहीं बता के, बट ये मैंने बता दिया जिससे तुमको समझ में आ जाए कि एक साइन थीटा की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी हमको, जैसे कॉस की जरूरत पड़ती है वर्क निकालने में, वैसे हमको साइन थीटा की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन के अंदर, ये देखने के लिए कि घुमाव कितनी तेजी से होगा, और भी जगह जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेंगे आगे लेक्चर जब हम करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स। अभी के लिए हम डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिफाइन करते हैं ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और अगर मैं पूरा ए क्रॉस बी को डिफाइन करूंगा तो ये होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये देखो कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, जैसे आई कैप भी लिख सकते हो, जे कैप भी लिख सकते हो, के कैप भी लिख सकते हो, जब तुम आई ऐसे लिख रहे थे ना तो उसको आई कैप का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो जो एन कैप है उसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर भी एक्चुअली डिपेंड करेगा, समझो क्यों डिपेंड करेगा, जैसे कोई भी चीज अगर घूमेगी तो उसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं घूमने के, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इस प्लेन में घुमा रहा हूँ, तो या तो मैं ऐसे घुमा सकता हूँ या ऐसे घुमा सकता हूँ, मान लो पेन को ऐसे मैंने हिंज करा हुआ है, भाई इसको या तो मैं ओपन कर सकता हूँ या क्लोज कर सकता हूँ, मतलब या तो क्लोज कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ के घूमे, पंखा घूमेगा तो पंखा भी दो तरह से घूम सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो हमेशा कभी भी कोई घुमाव आया, जो रोटेशन हमने पढ़ा कि रोटेशन किस पर डिपेंड करेगा, आर पे एफ पे साइन थीटा, बट रोटेशन जो डिपेंड करेगा इस भी चीज पे डिपेंड करेगा कि घुमाव किस तरफ आया, जैसे अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता तो ऐसे घूमता, लेकिन अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है और दोनों पॉसिबिलिटी एक दूसरे से अलग है, इसलिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के तो मेरे पास दो आंसर आने चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज आंसर आना चाहिए, एक क्लॉकवाइज, इसलिए एन कैप में समझाऊंगा क्या होता है। तो इसके बाद अपन बाद में कर लेंगे एन कैप क्या होता है, अभी के लिए अपन एस सी वर्मा के हिसाब से देख लेते हैं क्या चल रहा है ना, उसके हिसाब से अपन देख लेते हैं। तो ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी के, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, ऑब्वियसली एंगल मैं समझा ही चुका हूँ, दो वैक्टर्स के बीच में स्मॉल वाले एंगल को लेंगे, डायरेक्शंस के हिसाब से देख लेंगे, बड़ा घूम गया तो कौन ही लोगा, क्यों ही लोगे फालतू में, है ना, ठीक है ना। तो अगर अब हाँ अब एक और चीज मैं समझा देता हूँ इसके अंदर कि इसका एक और फंडा क्या होगा, इसको भी भूल जाओ अभी, डायरेक्शन क्या होती है डायरेक्शन समझाएंगे अपन बाद में, लेकिन इसका एक और मतलब क्या होगा, अगर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ, मतलब दो वैक्टर्स अगर ऐसे हैं या फिर दो वैक्टर्स अगर ऐसे हैं, तो इनका जो क्रॉस होगा 0 होगा। डॉट कब 0 होता है, डॉट में कॉस आता है, तो कॉस कब 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। क्रॉस में क्या आता है, साइन आता है, तो साइन कब 0 होता है, 0 और 180 डिग्री पे 0 होता है। तो ये कब कब 0 होगा, जब दोनों एक्ट बैक, अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो समझो इस चीज को कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ
तो इस पॉइंट से इसका आर, मतलब आर क्या होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं खींच ही रहा हूँ इसको, क्योंकि आर इस तरफ है, मैं खींच रहा हूँ तो घूमेगा नहीं, और मैं पुश कर रहा हूँ तो भी घूमेगा नहीं, थोड़ा तो एंगल होना चाहिए। तो इसलिए वो एंगल इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब 0 डिग्री या 180 होता है तब अपन नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें बता ही दिया कि कैसे परपेंडिकुलर होता है और कैसे वो होता है, वो मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। वो डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि अपन ने बोला वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए अपन डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इतना समझ लो, अगर ये ए है और ये वेक्टर बी है, एक तो ये केस हो सकता है थीटा, ये केस हो सकता है। अब या तो तुम ए क्रॉस बी कर सकते हो या फिर तुम बी क्रॉस ए कर सकते हो। तुम देखोगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ए डॉट बी तो बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन जो ए क्रॉस बी है वो एक्चुअली में माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी अपन समझ लेते हैं, है ना। ये सब अपन एक तरह से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अभी, है ना, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, अच्छा ये भी ए बी साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा, ये भी ए बी साइन थीटा होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा क्लॉकवाइज। अब ये तो समझ लो ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का नेगेटिव हो गया, तो इसलिए मैंने वहां पे नेगेटिव लिख दिया। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब ये हम कैसे चेक करेंगे क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। तुमने 10th क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम काम में ही नहीं रहते, हम आगे फिजिक्स में जो भी तुम करने वाले हो सब जगह हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। बस एक ये वाला हम रूल यूज करेंगे, और कोई रूल हम डायरेक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे तुम्हारे, जो भी हम रूल यूज करने वाले हैं वो ये वाले रूल यूज करने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी रूल हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है, और इसको कैसे देखते हैं, इसको बहुत सिंपल तरीका होता है देखने का, कि पहले फर्स्ट स्टेप होता है अपना पाम एकदम स्ट्रेट रख लो, एकदम स्ट्रेट, ऐसे 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 जहां भी जाना है एकदम स्ट्रेट जाओ, टकाच 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 टकाच, कहीं भी जाओ स्ट्रेट जाओ एकदम। ठीक है ना, तो पहले स्टेप क्या होता है कि पाम को स्ट्रेट रख के फर्स्ट वेक्टर पे पॉइंट करो। तो पहले मैं ए क्रॉस भी बता देता हूँ कैसे निकालेंगे हम। तो ए वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है, तो पाम को स्ट्रेट रख के मैंने ए की तरफ फेस कर दिया, मैंने ए की तरफ फेस कर दिया ऐसे। अब जो ए है वो ऐसे भी रख सकता हूँ मैं, ऐसे भी रख सकता हूँ, ये भी ए की तरफ है, ये भी ए की तरफ है, ये भी एक, मतलब जो फिंगर्स है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, बाद में देख लेंगे इसको। स्टेप वन क्या है कि पाम स्ट्रेट कॉमा फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है कर्ल फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, ये समझाता हूं। और स्टेप थ्री कुछ नहीं, रिजल्ट अपने पास आ जाता है कि थंब इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकेंड वेक्टर। थंब का डायरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन इनटू सेकेंड वेक्टर का डायरेक्शन। समझाता हूँ कैसे, पाम को तो स्ट्रेट रख के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्या रखा, ए क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर कौन सा, ए है, क्योंकि ए पहले आ रहा है, तो इसको ऐसे अपन ने रख लिया। इसको ऐसे भी रख सकते हो, 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 ऐसे भी रख सकते हो। राइट हैंड यूज करना है सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड भूल जाओ और यूज करके ऐसे रख लो। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड स्टेप क्या, कर्ल फिंगर्स टुवर्ड सेकंड वेक्टर। अब मान लो मेरा हाथ ऐसा है, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ऐसे आएगा, ये तो सेकंड वेक्टर नहीं है। सेकंड वेक्टर तो कहाँ है, सेकंड वेक्टर ऊपर की तरफ है, सेकंड वेक्टर उस तरफ है ना। तो मेरा हाथ अगर मानो मैंने ऐसे रखा था पाम को, तो ऊपर की तरफ तो मैं कर्ल नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे को फिंगर को कर्ल करना है, रिस्ट को रोटेट नहीं करना। यहाँ पे ये भी लिख लो, डू नॉट रोटेट द रिस्ट, डोंट रोटेट रिस्ट, डोंट रोटेट, डोंट रोटेट रिस्ट, रिस्ट को रोटेट नहीं करना है। तो जो रिस्ट है उसको रोटेट नहीं करना है, तो रिस्ट को फिक्स कर दो। अब क्या तुम ऊपर की तरफ घुमा सकते हो, बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, क्या तुम ऊपर की तरफ घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते, रिस्ट को रोटेट करना पड़ जाएगा। फिंगर्स देखो, फिंगर्स तो फिंगर्स को जब तुम ऐसे रखोगे तभी तुम फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ घुमा सकते हो। देखो बी है ना, ये मेरा ए है और ये मैंने बी की तरफ फिंगर्स को घुमा दिया, समझ में आ रही है बात। ये ए है और बी को मैंने फिंगर्स की तरफ, फिंगर्स को मैंने बी की तरफ, बी को फिंगर्स की तरफ नहीं, फिंगर्स को मैंने बी की तरफ घुमा दिया। अगर मैं ऐसे रखता मैं घुमा ही नहीं पाता ना, क्योंकि घुमाना मतलब मेरे को मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे ऊपर कैसे लेके जाओगे फिंगर्स को, कितना लेके जाओगे ऐसे। तो घुमाना मतलब मुट्ठी बंद करते हुए घुमाना है, कर्ल फिंगर्स टुवर्ड सेकंड वेक्टर इन ऑर्डर टू क्लोज द मुट्ठी, मुट्ठी को क्लोज करते हुए ऐसा करना है।
ऐसे करके ऐसे घुमाने की कोशिश की, साजिश की घुमाने की, रिस्ट को रोटेट नहीं करा। देखो मेरा रिस्ट फिक्स है, इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो हाथ कर्ल हो रहा है ना मेरा, बंद हो रहा है हाथ, बंद करते हुए हाथ को घुमाना है। तो अब थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वो थंब बोर्ड के बाहर आ रहा है। अच्छा पहली चीज तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये बात समझ में आ गई, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया पहली चीज तो। और एक और चीज, थंब बाहर आ रहा है तो इसको मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब बाहर, आउट। और इसके साथ में ये भी बता देता हूँ, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, या फिर क्लॉकवाइज, डॉट का मतलब बाहर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इतना है, कुछ याद नहीं करना, बहुत सिंपल है चीजें, मैं समझा दूंगा, शॉर्टकट भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो ए क्रॉस भी तो समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा था, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा था। बी क्रॉस निकाल लेते हैं, बी क्रॉस किस तरफ होगा, तो ये भी इतना तो होगा, ए बी साइन थीटा होगा, बट ये ऐसे आएगा और क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब इन आएगा, क्यों आएगा देखो। पहले मैं अपने हाथ को सीधा रख के बी की तरफ पॉइंट करूंगा, तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा ए की तरफ घुमाने की, तो ए की तरफ ऐसे तो घुमा नहीं पाऊंगा, टूट जाएगी उंगलियां, ऐसे करके भी घुमा नहीं पाऊंगा, हाथ बंद नहीं होंगे मेरे, है ना, रिस्ट को नहीं मोड़ना इसमें, देखो रिस्ट मोड़ गई, देखो ऐसे करके मैं घुमा पा रहा हूँ, ऐसे करके बिना रिस्ट मोड़े मैं घूम गया, ऐसे था ऐसे घूम गया। अच्छा इस वक्त मेरा थंब को अगर मैं टाइट रखूंगा, थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा था, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो देखो अंदर आ गया और क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो ये बात है, अब एक्चुअली क्या है, या तो पूरी दुनिया में जो फिजिक्स के जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स वगैरह हैं, या तो हर बार बोलते कि ए थिंग इज मूविंग सच दैट द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज में दिक्कत क्या होती, अगर मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, तुम्हारी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, बात समझ में आ रही। घड़ी को अगर तुम पीछे से इमेजिन करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बाहर से क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जो रोटेशन है ना, उसको भी एक डायरेक्शन दी जाए। तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज है, ये चीज तो हमको समझ में आ गई, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ये चीज तो हमको समझ में आ गई। लेकिन इस एंटी क्लॉकवाइज को मैंने बाहर डायरेक्शन कैसे दी, अगर मैं अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे घूम रही है, तो मेरा थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया कि एंटी क्लॉकवाइज को आज से मैं बाहर बोल दूंगा, और क्लॉकवाइज को मैं आज से क्या बोल दूंगा, अंदर बोल दूंगा। इसको कॉर्क रूल भी बोलते हैं, कॉर्क रूल भी बोलते हैं, कॉर्क रूल क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लो। ढक्कन जो भी बनाए जाते हैं जनरली ऐसे बार्गर का ढक्कन उल्टा आता है, बाकी सारे ढक्कन ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो अंदर जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो अंदर जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे तो ऊपर उठ रहा है ना, ये देखो ऊपर उठता है ना ढक्कन, ये देखो अंदर चला गया, ये ऊपर उठ गया। तो इसको राइट हैंड कॉर्क रूल, कॉर्क मतलब ढक्कन, कॉर्क रूल बोला करते थे। लेकिन ठीक है, थंब से भी हो ही जाएगा तो फिर अपन यूज ही कर लेंगे, या फिर कॉर्क रूल भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ है तो ऐसा अपन करते हैं। देखो एस सी वर्मा के अंदर भी कैसा लिखा हुआ है कि ए है, ए की तरफ थंब करो, फिर फिंगर्स को बी की तरफ घुमाओगे, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ए क्रॉस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया। फटाफट करने के लिए हमको क्या क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज तो ए क्रॉस भी जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी और बी के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो काम फटाफट होगा, कैसे फटाफट होगा, अगर तुमको ये याद है कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, ए और बी तो एक ही प्लेन में है ना, ए और बी तो एक ही प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कौन कौन सी लाइन हो सकती है, या तो बाहर आती हुई हो सकती है या फिर अंदर जाती हुई हो सकती है। तो इसलिए ए क्रॉस बी जो होगा वो या तो बोर्ड के बाहर आएगा इस केस में, या फिर अंदर जाएगा। पहले तो ये चीज समझ में आ गई भाई, अगर समझ में आ गई ये चीज, है ना, ए क्रॉस बी बोर्ड पे है तो ए क्रॉस, सॉरी ए और बी बोर्ड पे है तो ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या अंदर होगा। तो पहला तो ऐसे याद रख लो, और दूसरा फिर ये याद रख लो कि भाई अब ए क्रॉस बी है, तो अब फटाफट से देख लो, ऐसे घुमा के देख लो तो बाहर आ रहा है, ऐसे घुमा के देख लो अंदर जा रहा है, ये चीज समझ में आ गई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि जो अपन ने देखा ना कि चीजें घूम रही थी, अपन फोर्स लगा रहे थे, जैसे ये मान लो एक्सिस है, ये आर है, ये एफ है, ठीक है। अब एक तो हम आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालेंगे, एक एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे एक्चुअली में कौन सा घूमता है, और फिर रोटेशन को हमने कौन सा फॉर्मूला बनाया वो भी हम देखेंगे, समझ लो अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे मान लो आर क्रॉस एफ देखना है, तो आर के लिए पहले आर की तरफ ले जाओ, ऐसे 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 ऐसे, फिर एफ की तरफ रोटेट करने की कोशिश करो, तो ऐसे तो रोटेट नहीं कर सकता, मुट्ठी बंद करनी है मेरे को, एफ ऊपर जा रहा है ना भाई। पहली चीज तो ये समझ लो कि आर और एफ बोर्ड पे है, तो या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा, थंब या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा। लेकिन जब थंब अंदर जा रहा है तो रोटेशन ऐसा हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये नहीं होगा, तो थंब बाहर ही होगा। बाहर क्यों, बिकॉज आर है। अब देखो एफ की तरफ घुमाओ, तो एफ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ घुमाया तो थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर। तो मतलब बाहर मतलब, और या फिर रोटेशन देख लो, इसका रोटेशन ऐसा हो रहा है। तो जब मैं आर क्रॉस एफ निकालूंगा,
तो मेरा रोटेशन ऐसा है या फिर बाहर की तरफ है, मतलब डॉट है। अगर मैं एफ क्रॉस आर निकालूंगा तो एफ क्रॉस आर के लिए पहले मैं एफ की तरफ लेके जाऊंगा हाथ को, तो ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं या फिर ऐसे लेके जा सकते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि एफ और आर का जो क्रॉस होगा वो या तो बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड के अंदर होगा। एफ क्रॉस आर का जो क्रॉस होगा वो या तो बोर्ड के बाहर होगा या फिर बोर्ड के अंदर होगा। क्यों? बिकॉज ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। आर और एफ बोर्ड के अंदर है तो या तो बाहर आएगा या फिर अंदर आएगा। तो जो एफ है और जो आर है तो एफ की तरफ लेके अपन को आर की तरफ मोड़ना है, लेकिन थंब को या तो बाहर रख के देखना है एक बार या अंदर रख के देखना है। फालतू में अपन बहुत सारे डायरेक्शंस नहीं देखेंगे। अंदर रख के देखो, देखो अंदर रख के एफ और आर उस तरफ है, उस तरफ हाथ को घुमाए तो अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और बाहर रखेंगे थंब तो ऐसा बनता मेरा फिगर, तो एफ ऊपर की तरफ लेकिन आर को घुमाने के लिए पीछे जाना पड़ता बाहर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं आना, गलत है क्योंकि आर तो पीछे की तरफ नहीं है ना, आर तो उस तरफ है। तो एफ क्रॉस आर जो हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ और वो क्लॉकवाइज के साथ साथ थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है। देखो एफ क्रॉस आर मतलब अंदर की तरफ, ये मत समझना आर पीछे है, आर का डायरेक्शन उस तरफ है, एफ का डायरेक्शन ऊपर है। तो पहले ऊपर फिर इस तरफ मतलब अंदर मतलब क्रॉस। अब तो मुझे इतना बता दो कि इस कंडीशन के अंदर एक चीज ऐसे है, यहाँ पे इसका एक्सिस है, फोर्स ऐसे लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा? दिस विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? दिस विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस नॉट लाइक दिस। तो जब तुम रोटेशन के अंदर पढ़ोगे तो अपन फॉर्मूला निकालेंगे, इनफैक्ट अपन ने निकाल ही लिया, मैं वापस से निकाल लूंगा। जो रोटेशन का होता है फॉर्मूला टॉर्क का, एक टॉर्क डिफाइन करेंगे अपन चीज, हालांकि वो इस पर डिपेंड करती है, उसका मतलब ये होता है कितनी तेजी से बॉडी रोटेट कर रही है। ये फॉर्मूला गलत हो जाता है और ये फॉर्मूला सही हो जाता है। तो डॉट में दिक्कत नहीं है, डॉट में तुम एफ डॉट एस लिख लो चाहे ऐसे वर्क को या फिर एस डॉट एफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम टॉर्क लिखोगे कितनी तेजी से घूम पा रही है चीज, तो आर क्रॉस एफ लिखना पड़ेगा, एफ क्रॉस आर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बात अपन को फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझ में आ गई डायरेक्शन की। डायरेक्शन पे और सवाल है, पूरा मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। मैग्नेटिज्म चैप्टर जो तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, रोटेशन जो चैप्टर है पूरा इसी चीज पे बेस्ड है जो तुम रोटेशन पढ़ने वाले हो। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इस टॉर्क पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये देखो, ड्रॉ टू वैक्टर्स ए एंड बी, नाउ प्लेस यूर स्ट्रेच राइट पार्म, राइट पार्म प्लेस करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए की तरफ फिंगर्स को करते हुए इन सच ए वे, आगे बोल देगा ये, इन सच ए वे दैट द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, अरे यार मिस लग गया, दैट द फिंगर्स आर अलोंग द वेक्टर ए एंड व्हेन द फिंगर्स आर क्लोज दे गो टुवर्ड्स बी। तो क्लोज करते वक्त वो बी की तरफ जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसको केयरफुल होना चाहिए, राइट हैंड से प्रैक्टिस करना चाहिए। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, वे समझाई दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एसोसिएटिव ये नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है बट एसोसिएटिव इतना अपने काम नहीं आएगा वैसे, है ना, फिजिक्स में इतना काम नहीं आएगा, तो इसको छोड़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन बात करते हैं आई क्रॉस जी वगैरह की, लेकिन मैं थोड़ा सा और तुमको समझाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, मैं डायरेक्शन को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, तो अपन ने तीन डायरेक्शन अपन करके चलेंगे फिजिक्स में, एक तो इस तरफ, एक ऊपर नीचे, एक बाहर या फिर अंदर, ठीक है, एक ऊपर नीचे, एक इस तरफ, ठीक है ना। अपन डिफरेंट डिफरेंट केस करते हैं, अपन ए और बी को बनाते हैं। मैं तीन या चार एग्जांपल लेता हूं, उसमें एक बार तुम भी सोचना खुद से करके, और फिर मैं बताऊंगा एग्जांपल्स कि उसके अंदर कौन सा डायरेक्शन का अपना रिजल्ट आएगा। तो मेरे को ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है हर किसी में। पहला केस में क्या ले रहा हूं, ए बाहर है और बी इस तरफ है, समझ में आ गई, ए वेक्टर बाहर आ रहा है और बी उस तरफ है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सबके आंसर बता दूंगा, टेंशन मत लो, ए इस तरफ है और बी अंदर की तरफ है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए नीचे है और बी बी इस तरफ मान लो। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बाहर है और बी अंदर की तरफ है। पांचवा भी एक और ले लेते हैं, चलो लास्ट ले लेते हैं, टेढ़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, ए इस तरफ है और बी ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो एक बार तो पॉज कर लो इस लेक्चर को, अभी मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो बता दूंगा फटाफट, क्योंकि वीडियो लेक्चर है ना। तो पॉज कर लो इस लेक्चर को और पॉज करके तुम एक बार देखो कि भाई क्या हमारा आएगा। मैं एक बार इसका फोकस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, शायद फोकस में थोड़ी सी गड़बड़ आ रखी है इसमें, नहीं होगा अभी फोकस चेंज, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, दिख रहा है, इतना भी दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसको करते हैं पहले, तो ए खुद से कर लो एक बार ट्राई, है ना, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, मैं बताता हूँ। तो पहले राइट हैंड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड को फेंक दो काट के, ठीक
ठीक है, ए बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आएगा, ठीक है बाहर आ गया, ठीक है बाहर आ गया, बी उस तरफ है। तो अच्छा पहली चीज इसको पहले समझ लो, ए ये वाली एक्सिस में, बी इस वाली एक्सिस में, तो ए क्रॉस बी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। मतलब जब तुम ए को इस तरफ बनाओगे बी, तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, लेकिन दो केस बना लो, या तो थंब ऊपर या फिर थंब नीचे, इन दो को टेस्ट करना है। ये केस टेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, ये वाला केस टेस्ट नहीं करना, ये सब फालतू के। क्यों? क्योंकि ए बाहर है, बी इस तरफ है, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल भी या तो ऊपर या फिर नीचे, तो थंब को या तो ऊपर रख के कर लेंगे अपन, या फिर नीचे रख के दोनों को देखें। ए को बाहर बनाओ तो ऐसे ही बना सकते हो, इस केस में थंब ऊपर है, और ऐसे भी बना सकते हो, इस केस में थंब नीचे है। अगर इस केस की बात करता हूँ, फिंगर्स को रोटेट करने की कोशिश करो, बी उस तरफ है, तो उस तरफ के लिए फिंगर्स ऐसे रोटेट हो गई, तो अपना आंसर सही आ गया। मतलब किस तरफ आएगा, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा। तो आंसर लिख देता हूँ पहले, तो मैं इसका ऊपर की तरफ आंसर आएगा मेरा, ए क्रॉस बी का। उस तरफ क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ए को इस तरफ लिया था, अब बी बी इस तरफ है, इसलिए ऐसे रोटेट हुआ। उस तरफ अगर होता बी, तो ए को ऐसे लेते, बी ऐसे रोटेट होता, नीचे आता। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड में क्या है, ए ऊपर की तरफ है, वापस से ए ऊपर है और बी अंदर है, तो दो डायरेक्शन खत्म हो गई। तीसरी डायरेक्शन कौन सी बची, इस तरफ या फिर इस तरफ। तो थंब की पॉइंटिंग अपन पहले इस तरफ कर देंगे या फिर इस तरफ करेंगे, और दो ही कंडीशन अपन को टेस्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत करते रहा करो कि पता नहीं कौन से डायरेक्शन में आएगा, दो ही डायरेक्शन देखनी है अपन को, ठीक है ना। क्योंकि अपन को पता है कि ए क्रॉस बी इस तरफ है, इस तरफ ही होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी इस तरफ है और ये ऑलरेडी बाहर की तरफ है, तो इस तरफ है, इस तरफ। तो ए क्रॉस बी देखा, ए ऊपर आ गया, तो ऐसे भी रख सकते हो। क्यों ऐसे, ऐसे क्यों नहीं बोला मैंने रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है थंब अंदर नहीं होगा, थंब या तो इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा, तो एक बार तो ऐसे रख लो। ऐसे रख के अगर थंब इस तरफ होता तो बी को इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन बी अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब ऐसे रखना पड़ेगा, बी अंदर है ना, मेरा उंगली मैंने अंदर की तरफ मोड़ दी, थंब मेरा उस तरफ होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इसमें किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं ए और बी, अब इसमें दोनों की दोनों इसी प्लेन में है, तो थंब या तो बाहर आएगा या फिर अंदर जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल लें तो पहले ए की तरफ ले आओ, ए की तरफ लेके आने के लिए ए नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ले लो हाथ को, नीचे की तरफ। अच्छा अब थंब किस तरफ आएगा, बाहर आएगा, या तो ऐसे लूंगा मैं हाथ को एक बार, या फिर ऐसे लूंगा मैं हाथ को एक बार। इस केस में थंब अंदर आ रहा है और इस केस में थंब बाहर जा रहा है। अब भी उस तरफ है, भी उस तरफ है, मतलब फिंगर्स को मुझे उस तरफ घुमाना है। ऐसे रखूंगा तो उस तरफ नहीं घूम पाएगी मेरी फिंगर्स, क्योंकि मेरे को हाथ को बंद करते हुए घुमाना होता है, लेकिन इस केस में वापस से ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या फिर अंदर होगा। तो पहले मैं ए की तरफ बना लेता हूँ, ये तो फिर ऐसे बनाऊंगा मैं, या फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे या फिर ऐसे। ऐसे के केस में बाहर आ रहा है मेरा आंसर, ऐसे के केस में अंदर आ रहा है। अब मुझे बी की तरफ रोटेट करना है, तो अगर ऐसा है तो मैं बी की तरफ रोटेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि छोटा रोटेशन करना होता है, बड़ा नहीं। ऐसे रोटेट मैंने बी की तरफ कर दिया, मतलब थंब किस तरफ आ रहा है मेरा, अंदर की तरफ, तो इसका भी आंसर अंदर आ रहा है। ये नॉट एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि इसमें ए और बी जो है उन दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है, और 180 डिग्री होता है तब तो अपना आंसर ही कुछ नहीं होता, क्योंकि उस केस में जो आंसर होता है वो 0 बन जाता है अपना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं आई और जे के बीच में हम कैसे करेंगे। तो देखो मैं समझा देता हूँ पहले, तो आई इस तरफ होता है, जे इस तरफ होता है, और के को जो हम बाहर बनाते हैं ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं होता, नीचे नहीं होता, के का मतलब होता है बाहर की तरफ, मतलब आई इस तरफ, जे इस तरफ। और जैसे रूम है कोई, जैसे ये रूम है, तो इस रूम के अंदर मैं ऊपर की तरफ बोल सकता हूँ जे है, इस तरफ बोल सकता हूँ आई कैप है, और उस तरफ बोल सकता हूँ के कैप है, तो तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है आई जे और के। तो के को मैं ऐसा नहीं बनाता जनरली, मैं नहीं बनाता ऐसा, बुक्स में बनाते हैं वो ऐसा, बट मैं के को ऐसा बनाता हूँ, के का मतलब बाहर आ रहा है। अब एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट, आई टी जे एडवांस में आया हुआ था क्वेश्चन, और कुछ बहुत बच्चों ने मिस्टेक की थी, ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है, ये फिगर सही है। वो फिगर गलत क्यों है, देखो उसमें भी तीनों परपेंडिकुलर है आई जे और के, इसमें भी तीनों परपेंडिकुलर आई जे और के, नहीं, लेकिन हम ऐसा चूज करते हैं एक्सिस को, इस हिसाब से हम एक्सिस को, वी चूज
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इन सच ए वे दैट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। मुझे ताज्जुब होता है काफी फिजिक्स टीचर्स को यही नहीं पता कि ये वाला फिगर गलत हो जाता है। जे और आई को अगर हमने देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आ रहा है तो ये वाला फिगर इसके सही है। इस केस में अगर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो आई क्रॉस जे अंदर की तरफ जा रहा है जबकि मैंने बाहर बना दिया इसको, तो ये गलत है फिगर। हाँ अगर मैं ये फिगर बनाता कि ये जे और ये आई और ये के तो भी ये फिगर सही होता, ठीक है। तो हमने ऐसे चूज कर दिया कि आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के बराबर है क्योंकि के आई और जे के परपेंडिकुलर तो है ही और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 × 1 × sin of 90 वन ही आएगा, तो इसलिए हमको वो सब करने की जरूरत नहीं। आई क्रॉस जे को हमने के वेक्टर के बराबर कर दिया, तीनों देखो वेक्टर है, इसका आंसर वेक्टर ही आ रहा है। ये बात मैं वापस समझा देता हूँ कि आई क्रॉस जे इस केस में तो के अंदर की तरफ ये फिगर सही है के क्रॉस इसमें के डॉट ये फिगर गलत है। अब अगर मैं वापस से बनाऊंगा कुछ फिगर्स मैं बना के देता हूँ तुमको और तुमको ये बताना है मुझको कि इसमें, अब पहले मैं ये भी समझा देता हूँ ये तीनों जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे हो रहा है। इसको याद रखने का तरीका पहले बता देता हूँ, याद रखने का तरीका ये होता है सर्किल बनाओ, आई जे बना दो, आई जे यहाँ बना दो ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो कहीं बना दो, मतलब यहाँ बना दो आई जे के ऐसे बना दो कैसे बना दो। तुमको पहले सर्किल में एस्टेब्लिश ये करना है कि आई क्रॉस जे किस तरफ जा रहा है, तो इस केस में आई क्रॉस जे इस तरफ आ रहा है ना, ऐसे जा रहा है सर्किल में, आई क्रॉस जे कितना रहा है के आ रहा है, तो ये सर्किल कैसे मूव करेगा, ये सर्किल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। मैं पहले इस सर्किल को समझा देता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे कितना आ गया, देखो आई क्रॉस, तो इस सर्किल का मूवमेंट कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे कितना आ गया के आ गया, जे क्रॉस ये कितना आ गया के आ गया, जे क्रॉस के कितना आ गया इस केस में आई आ गया, के क्रॉस आई कितना आ गया इस केस में जे आ गया, और जो उल्टी मूवमेंट्स होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा, क्योंकि अब मैं ऐसे एंटी उल्टा मूव कर रहा हूँ ना, तो जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा के आ जाएगा, फिर आई क्रॉस के कितना आ जाएगा सॉरी माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तीनों में, के क्रॉस जे कितना आएगा के क्रॉस जे माइनस आई आ जाएगा, और जे क्रॉस आई ये हो गया के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के कितना आएगा आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे। माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज इस सर्किट को हमने पहले एस्टेब्लिश करा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के से, ऐसे चलेगा तो आई क्रॉस जे, ठीक है। तुम ये भी देखो कि यहाँ पे आई क्रॉस जे जो है वो जे क्रॉस आई के नेगेटिव आ रहा है, ऐसे जे क्रॉस के जो है वो के क्रॉस जे के नेगेटिव आ रहा है, ऐसे के क्रॉस आई जो है वो आई क्रॉस के नेगेटिव आ रहा है, ये एस्टेब्लिश हो गया। सर्किल कैसे बना दो, आई जे के कहीं भी लिख दो बट एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एस्टेब्लिश कैसे हो रहा है, इसमें आई जे के आ रहा है, आई जे के तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो आई जे मतलब यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आ रहे हैं, ये सर्किल का एस्टेब्लिशमेंट क्लॉकवाइज हुआ, तो इसमें जो भी क्लॉकवाइज आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, जो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो पॉजिटिव। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ सब, है ना, हम निकाल लेंगे इनको, प्रूफ हम बाद में कर देंगे, पहले याद करने के लिए। तो इससे भी देखो आई क्रॉस जे कितना आ गया प्लस के, जे क्रॉस के कितना, देखो आई क्रॉस जे कितना आ गया प्लस के, जे क्रॉस के कितना आ गया प्लस आई, क्योंकि सर्किल क्लॉकवाइज घूम रहा है, के क्रॉस आई कितना आ गया जे, लेकिन जब मैं जे क्रॉस आई जाऊंगा तो मैं उल्टा कर दिया इस सर्किल को, तो जे क्रॉस आई कितना हो गया माइनस के, आई क्रॉस के कितना हो जाएगा माइनस जे, और ऐसे ही के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई। तो सर्किल कैसे भी बना दो, कुछ लोग बोलते नहीं सर्किल को ऐसे ही बनाओ आई जे के, अरे ऐसे बना दो आई जे के, आई को यहाँ रख दो जे को यहाँ कहीं भी रख दो, बट सबसे पहले सर्किल में एस्टेब्लिश कर दो कि आई क्रॉस जे कितना होता है के होता है। एक बार वो एस्टेब्लिश कर दिया तो उसी हिसाब से जो रोटेशन करके तुम्हारे पास वेक्टर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट जो रोटेट करके वेक्टर आ रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ पढ़ लेते हैं कि इसके प्रूफ क्या है कि आई क्रॉस जे के बराबर होता है। देखो आई क्रॉस जे के बराबर होता है इसका कोई प्रूफ नहीं है, आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होता है इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक चीज है जो हमने एस्टेब्लिश करी है सबसे पहले, है ना, क्यों, क्योंकि कैसे भी बोल सकते हैं लेकिन हमने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली कि इसको हम मान के चल लेते हैं ये सी है और इसके हिसाब से फिर हम बाकी देखते हैं। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के देख लेते हैं पहले, इसका फिगर आई जे और के बाहर आ रहा है। अब इससे मुझे निकालना है कि जे क्रॉस के कितना होगा, माइनस आई होगा प्लस आई होगा या फिर माइनस आई होगा, और ऐसे ही के क्रॉस आई जे होगा या फिर माइनस जे होगा। याद करने का तरीका मैं पहले बता चुका, अब मुझे इस तरह से चूज करना है ये सही है ये सही है ये सही है या फिर ये सही है, ये चूज मेरे को करना है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं जे क्रॉस आई, ये मैंने एस्टेब्लिश कर दिया, जे क्रॉस के देखते हैं पहले अपन, तो जे क्रॉस के कैसे हो रहा है, देखो जे की तरफ पहले अपन उंगली लेके जाएंगे, जे किस तरफ है, जे ऊपर की तरफ है और के तो बाहर की तरफ है ना, ये के है,
तो पहली चीज जो जे और के है उससे या तो उस तरफ आएगा या फिर उस तरफ आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर। तो जे की तरफ ऊपर ले गए तो थंब को ऑलरेडी मैंने या तो उस तरफ रख लूंगा या फिर उस तरफ लूंगा, मतलब या तो ऐसे रख लूंगा या फिर ऐसे रख लूंगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्यों? मेरे को फालतू नहीं करना, मेरे को ऐसे नहीं रखना, मेरे को तुम्हारी तरफ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जे क्रॉस के, जे इस तरफ है और के इस तरफ है, मतलब दोनों का या तो उस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा, दोनों का परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना। तो जे क्रॉस से जो मैंने रखा, तो जे को पहले ऐसे रख लिया, तो ऐसे नहीं रखूंगा मैं, या तो मैं ऐसे रख लूंगा, समझ लो। फिंगर्स जे की तरफ पॉइंटेड है, बट जो थंब है उसके डायरेक्शन पहले डिसाइड करके चलता हूं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस तरफ या फिर उस तरफ, तो या तो मैं ऐसे रखूंगा। तो अब जे और जे क्रॉस इस कंडीशन में, जे क्रॉस की करके देख लेते हैं, जे क्रॉस की कैसे आ रहा है। देखो ऐसे तो घुमा पाऊंगा नहीं, बंद करने के लिए ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। जे और के की तरफ घुमा दिया, थंब उस तरफ आ गया, तो देखो ये जे क्रॉस के जो बनेगा वो प्लस आई बनेगा, माइनस आई नहीं बनेगा। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना बन रहा है, देखो के क्रॉस आई कितना बन रहा है, के बाहर की तरफ है फिर आई करना है, तो बाहर की तरफ और आई का जो रिजल्ट आएगा वो या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, भाई माइनस जाएगा या फिर प्लस जाएगा। थंब को के की तरफ ले आओ, पहले तो के की तरफ ऐसे लेके आ सकते हो, रिजल्ट तुमको या तो ऊपर लेके आना है, तो या तो ऐसे रखोगे थंब को या फिर ऐसे रखोगे थंब को, पहले डिसाइड कर लो, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो के इस तरफ है और आई किस तरफ है, आई इस तरफ है, ऐसे रोटेट करोगे ऊपर आ गया आंसर अपना, तो ये भाई प्लस वाला सही है। अब देखो जैसे आई क्रॉस के करके देख लो, तो आई क्रॉस के में मुझे पता है आई और के में या तो ऊपर आएगा आंसर या नीचे आएगा। आई की तरफ लेके जाओ, पहले हाथ को ऐसे लेके जा सकते हो, है ना, लेके ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, बट मैं ये वाला डायरेक्शन चूज करूंगा और ये वाला डायरेक्शन चूज करूंगा, बिकॉज मुझे पता है जो आंसर आएगा आई क्रॉस, फटमट गया, आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस के का, वो या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। तो आई क्रॉस के जो है, आई को पहले इस तरफ ले आओ हाथ को, के किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसमें रोटेशन का कोई हासिल नहीं होगा। आई को तो इस तरफ रखना है, ऐसे रखना पड़ेगा मेरे को, और क्रॉस के कर रहा हूं मतलब ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, नीचे आ रहा है देखो, माइनस जा रहा है, तो ऐसे तुम कर लोगे तो सब कर लोगे, बट याद रखने का ऑलरेडी अपने पास तरीका, सर्कल बनाओ, सर्कल से आई क्रॉस जे एस्टेब्लिश करो, उसके बाद आंसर निकाल लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लो फटाफट से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 6 है, क्रॉस प्रोडक्ट 15 यूनिट है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी। तो 5 × 6 × cos θ = 15, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, 30 डिग्री आ गया साइन थीटा, या फिर 150 भी हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा 30 डिग्री भी होता है, 150 भी होता है। अब कंपोनेंट्स में जैसे अपन ने करा था कि अगर कंपोनेंट्स हो तो कैसे करेंगे, तो वो और बता देता हूं मैं तुमको, अब ये खोल के बताएगा, वैसे तो डिटरमिनेंट से बता दिया होगा, वैसे तो बड़ा लंबा है ये, है ना, देखो इतना सारा कैलकुलेशन अपन बोर्ड पे नहीं लिखने वाले हैं। तो इन्होंने बोला ए को मान लो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आई कैप जी कैप, बी को मान लो बी एक्स, तो एक को तीन के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक को तीन के साथ, ये बहुत लंबा प्रोसेस पड़ गया ना, इसको छोटा करने का एक तरीका होता है डिटरमिनेंट से। हाँ, तो इन्होंने डिटरमिनेंट को बताया नहीं, मैं बता देता हूँ, अपना आंसर देखो सेम आ जाएगा, ठीक है ना। एक फंडा होता है डिटरमिनेंट वाला, ये भी एक चीज है जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको याद करना आसान होता है। ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए जेड है, ये बी एक्स है, ये बी वाई है, और ये बी जेड है। मतलब क्या है, तुमको बोलेंगे ए क्रॉस भी निकालो, तो ए वेक्टर तुमको दे देंगे, ए वेक्टर दे देंगे ए एक्स ए वाई ए जेड के कैप जे कैप आई कैप, बी वेक्टर दे देंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसको तुमको क्या लिखना है, आई जे के लिख देना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी जेड बी वाई बी एक्स, ऐसे तुमको लिख देना है, ऐसा कि ऐसा लिख देना है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ऐसा लिखना है, अगर बी क्रॉस से निकालना है तो पहले बी वाली लाइन को लिखना है फिर ए वाली लाइन को लिखना है ना, बहुत ही सिमेट्रिक। अब इसका करने का तरीका कितना होता है कि आई के साथ डालो वो वाले टर्म्स, आई को देखो छुपाओ, आई के रो को और कॉलम को छुपाओ, दिस दिस माइनस दिस दिस कर दो, तो क्या आया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आया कि नहीं। देखो आई में यही आ रहा होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, याद करने का तरीका है, तो खोलना पड़ता है, कितना कैलकुलेट करना पड़ता है ना, फिर पहले यहाँ पे फिर माइनस लगाना पड़ता है, सेकंड वाले रो में माइनस लगाना पड़ता है, फिर वापस से प्लस चलता है, डिटरमिनेंट ऐसे चलते हैं प्लस माइनस जितना भी लंबा हो। तो जे के साथ जे को छुपा दो, जे को छुपा दिया, जे को छुपेंगे तो ये छुप जाएगा, क्या बचेगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के को छुपा दो, के वाले रो को और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बचेगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, ए वाई बी एक्स। देखो यही आ रहा है क्या, ए एक्स बी जेड, ए एक्स जे के साथ आ रहा है ए जेड बी एक्स, हाँ तो माइनस है ना बाहर, तो माइनस जब अंदर जाएगा प्लस होके जाएगा, है ना, तो वही चीज हो गई,
तो AZ, ठीक है, और K के साथ क्या आएगा, AX BY माइनस AY BX, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अब तुम निकाल सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे, जीरो वेक्टर अपन बाद में कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि अपन को ए दे रखा है, जैसे आर, मान लो आर दे रखा है और एफ दे रखा है। आर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और एफ दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये दे रखा है। और तुमको आर क्रॉस एफ निकालना है। अगर तुमको आर क्रॉस एफ निकालना है तो पहले आर वाली चीज को रखोगे ऊपर, मतलब यहाँ लिख दोगे, है ना, 2, 3 और माइनस 4, है ना, इसको भी मिटा, 2, 3 और माइनस 4 यहाँ लिख दोगे, 3 माइनस 4 और 5। फिर क्या करोगे तुम लिखोगे आई माइनस जे प्लस के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आई को जब करोगे तो 3, 5 जा 15, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो 3, 5 जा 15 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। फिर क्या कर दोगे जे के साथ, जे में इसको हटा दोगे, माइनस अपन बाहर लगाई चुके, 2, 5 जा 10 माइनस माइनस अंदर रहेगा -12। के में क्या लिख दोगे, के में हटा दोगे, 2, 3 जा 2, 4 जा -8 -3, 3 जा 9। देखो क्या बन जाएगा, आई के साथ बन जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस ये ऐड हो जाएगा, मतलब अच्छा माइनस है तो माइनस ऑफ 22j, ये भी माइनस माइनस 8 16 17 माइनस ऑफ 17k। तो अपने पास आंसर क्या है, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 22j माइनस ऑफ 17k। अगर तुम एक एक को मल्टीप्लाई करके खोल के करते तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है ना, ठीक है ना। एक जीरो वेक्टर का कंसेप्ट है, जीरो वेक्टर तो सिंपल ही होता है, जीरो वेक्टर का मतलब कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब है ना। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक डब्बा है, इस पे इस तरफ भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो मैं बोलूँ फोर्स कितना है तो अपने फोर्स वेक्टर बोल देंगे जीरो वेक्टर है, क्योंकि तो जो फोर्स का नेट रिजल्ट है वो कितना है, जीरो। तो बस वही है जीरो, कि सपोज द वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द वेक्टर ए प्लस बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी जीरो। फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी इट इज कन्वीनियंट टू हैव वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड ऑल्सो, इट इज सिग्निफिकेंस नहीं है, लिटिल सिग्निफिकेंस, दिस वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, बट मैक्सिमम कुछ काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वी कैन राइट दिस वेक्टर एज जीरो वेक्टर। द कंसेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन वी कंसीडर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, इफ ए इज पैरेलल टू बी द वेक्टर ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर। हाँ, तो बेसिकली अब अगर मैं बोलूँ कि आर इस तरफ है, एफ भी इस तरफ है, आर क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा बनेगा ना, तो आर। और अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो अच्छा ये तो वेक्टर आएगा नहीं, ये तो स्केलर में होगा नहीं, क्रॉस के अंदर ही होगा, है ना। लैम्डा इंटू जीरो वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर आप पढ़ते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस को। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम एरर्स करेंगे, फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज नहीं एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव वन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टू करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, और इसका चैप्टर खत्म, फिर हम पेनल्टीज को चालू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।